तो आज के इस वीडियो में हम उस फायर टीवी स्टिक का करेंगे कंप्लीट सेटअप कि किस तरीके से उसे आपको इंस्टॉल करना है आपके टीवी के अंदर और उसके बाद किस तरीके से उसके सॉफ्टवेयर को हमें सेटअप करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से उसका सेटअप किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस फायर स्टिक को हमें हमारे टीवी के साथ में अटैच कैसे करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिख रहा है। तो उसके अंदर हमें इसके साथ में दिया गया जो केबल है उसको हमें अटैच करना है और साथ ही में इसमें हमें साथ में मिला था एक पावर अडैप्टर। तो ये पावर अडैप्टर के साथ में इस केबल को अटैच करके हमें इस फायर टीवी स्टिक के साथ टीवी स्टिक को इलेक्ट्रिसिटी का पावर देना पड़ेगा। तो एक वो चीज़ हो गई। दूसरा ये जो फायर टीवी स्टिक है इसको हमें HDMI पोर्ट के अंदर अटैच करना होता है। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी अपने टेलीविज़न के अंदर अटैच कर सकते हैं इस तरीके से और ये हो गया। या फिर अगर आपके पास जगह कम हो, कभी कभी टीवी के अंदर पोर्ट साइड में नहीं होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, या आपने इसको अगर आप वॉल माउंट कर रहे हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है पोर्ट तक पहुंचना, तो उस केसेस के अंदर हम जो इसके साथ में जो अडाप्टर दिया गया है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस अडाप्टर के अंदर हम हमारी स्टिक को अटैच करेंगे और इसके आगे ये जो केबल है ये फ्लेक्सिबल है तो इस वजह से इससे हम डायरेक्टली टीवी को अटैच कर सकते हैं। तो ये एक बार आपका जो केबल है वो आपकी स्टिक जो है HDMI के साथ कनेक्ट हो गई और इसको आपने पावर इन प्लग इन कर दिया तो आपका टीवी स्टिक का सेटअप जो है वो हो गया है। अब जो है हमें करना पड़ेगा इसका सॉफ्टवेयर सेटअप। तो आइए अब देखते हैं कि इसके सॉफ्टवेयर को हमें किस तरीके से सेटअप करना है। तो अब हमने जैसे फायर टीवी स्टिक को हमारे कनेक्ट कर दिया है, मैंने इसको लगाया है HDMI 2 पोर्ट के अंदर। तो इसमें मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे टेलीविज़न में सोर्स और सोर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा HDMI 2 और ये HDMI 2 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और देखिए उसके बाद तुरंत Amazon का लोगो आ गया है, इसका मतलब हमारी फायर टीवी स्टिक जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब देखते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलता है। और ये आ गया है फायर टीवी स्टिक का एनिमेशन और अब ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो इनिशियल सेटअप है वो बहुत ही ईजी है, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से उसे करना है, बट करना बहुत ही आसान है। तो ये हमारी स्टिक स्टार्ट हो गई है और इसमें पहला मैसेज हमें आया है कि ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम स्टोरेज एंड एप्लीकेशंस एंड दिस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स टू कंप्लीट। तो ये अपने जो अंदर की जो इसमें हमें जो स्टोरेज मिल रही है उसको ये ऑप्टिमाइज कर रहा है और साथ ही जो एप्लीकेशन इसमें प्री इंस्टॉल्ड हमें मिली है उसको भी ऑप्टिमाइज कर रहा है और उसके बाद इसका सेटअप जो है वो पूरा हो जाएगा। तो लेट अस सी। तो ये हमारा जो इनिशियल ऑप्टिमाइजेशन का सेटअप था वो पूरा हो गया है और अब ये दिखा रहा है सर्चिंग फॉर रिमोट और इसके अंदर रिमोट में जो ये होम बटन है उसे हमें दबा के रखना है तो उससे ये जो है पैर हो जाएगा। तो आइए इस बटन को हम दबाते हैं। और ये साउंड आ गई, इसका मतलब मेरे ख्याल से रिमोट जो है वो पैर हो गया, राइट। तो देखिए अभी फायर टीवी स्टिक आ गया है और इसमें अब ये कह रहा है कि इस प्ले बटन को दबाएं। ये प्ले बटन को हमने प्रेस किया तो अब ये हमसे पूछ रहा है लैंग्वेज चूज़ करने के लिए। तो इसमें जो हमें ये जो सर्कुलर यहाँ पर जो पैड मिला है उससे हम इसमें नेविगेट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, आगे पीछे। तो इससे हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसको हम दबाएंगे नीचे की तरफ और इसमें हमें इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन मिल रहा है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के लिए इसमें जो सेंटर में बटन है उसको हम दबाएंगे। और ये जो रिमोट है ये एक ब्लूटूथ अनेबल्ड रिमोट है, यानी इसको आपको पॉइंट करके चलाना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में रख के इसको जब चलाएंगे तो इससे हमें वहाँ पर जो है एक्टिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब हमारा नेटवर्क हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको सेटअप किया जाए और पासवर्ड हमारा डालने के बाद हमें इसको कनेक्ट करना है। तो अब ये हमारे नेटवर्क के साथ जो है कनेक्ट हो रहा है और ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और अब ये चेक कर रहा है फॉर अपडेट्स कि अगर कोई सिस्टम अपडेट्स आए होंगे तो वो यहाँ पे चेक करेगा। अच्छा, अब इसमें ये पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आ रहा है कि एक ऑप्शन है कि अगर हमारा अमेज़न का अकाउंट है तो हम उससे रजिस्टर कर सकते हैं और अगर हमारा अमेज़न का अकाउंट नहीं है
तो हम एक नया अकाउंट भी बना सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है तो उसको हम यूज़ करते हैं, तो रजिस्टर को क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हमें पहले एंटर करना है हमारा ईमेल एड्रेस, तो आइए ईमेल एड्रेस डाल दिया जाए। तो अब हमारा पासवर्ड हमने डाल दिया है, अब उसके बाद हम करेंगे इसको अगेन स्टार्ट, और ये अब हमारा जो फायर टीवी स्टिक है उसको ये रजिस्टर कर रहा है और सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो अब ये मेरा नाम आ गया है कि यस। अब ये पूछ रहा है कि फायर टीवी स्टिक इज़ डिज़ाइंड विथ किड्स एंड पेरेंट्स इन माइंड, तो आप इसके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल ऑन रखना चाहते हैं या नहीं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसमें पेरेंटल कंट्रोल को अनेबल भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ पासवर्ड्स की सेटिंग्स मिलेगी, जिससे उसके बिना आप कोई भी वीडियो या जो कोई भी चीज़ को हम ऑनलाइन परचेज नहीं कर पाएंगे, कोई भी कंटेंट को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल नो पेरेंटल कंट्रोल सिलेक्ट करता हूँ। अब ये चेक कर रहा है हमारे नेटवर्क की स्पीड और ये सेटअप हो गया, और अभी एक क्विक टूर का हमें तो अब ये हमें दिखा रहा है। अगर आप एक प्राइम मेंबर नहीं हैं तो ये हमें बता रहा है कि आप प्राइम मेंबर को रजिस्टर कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अब ये हमें पूछ रहा है कि आपको कौन से ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं, तो हम इसके अंदर एक लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐप्स दिखा रहा है कि जिसको जो भी हम ऐप्स यूज़ करते हैं रेगुलरली, तो उसको हम यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए रख सकते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे हॉटस्टार सिलेक्ट कर लेता हूँ, सोनी लिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये तो है इनकी पॉपुलर स्ट्रीमिंग ऐप्स। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ मूवीज़ और म्यूज़िक ऐप्स के बारे में पूछ रहा है, तो लेट से गाना को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये कुछ और ऐप्स के बारे में भी पूछ रहा है, जैसे कि टी वी एफ एंड ऑल, तो इसमें से अभी कोई मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, आप जिसको भी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है हमें कुछ और पॉपुलर ऐप्स के बारे में, जैसे कि फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स को हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि उसे एज अ ब्राउज़र हम यूज़ करेंगे, और बस इसके अलावा और कोई मुझे नहीं करनी है। और उसके बाद हमें सिंपली ये जो है प्ले बटन को दबा देना है, और यहाँ पे इसने दिखाया कि हमने 4 ऐप सिलेक्ट की है, तो क्या हम उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसको हम डाउनलोड का बटन दबा देंगे। और उसके बाद सेकेंड चीज़ अब ये हमें पूछ रहा है कि मैनेज एंड मॉनिटर योर डेटा कंजम्पशन ऑन फायर टीवी स्टिक, मतलब क्योंकि ये फायर टीवी स्टिक के अंदर हम एक बड़ी स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा रेजोल्यूशन पे हम कंटेंट को देखेंगे, तो अगर हम चाहें तो इसके अंदर हमारे डेटा को लिमिट भी कर सकते हैं। और अगर हम नहीं, और अगर अभी आपका वाईफाई है और अनलिमिटेड प्लान आपके पास है, तो उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम सेटअप लेटर के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो है अब हमारा फायर टीवी स्टिक का जो बेसिक होम स्क्रीन है वो आ गई है। तो ये जो इसका है इंटरफेस है, इसके अंदर आपको इस बटन को दबा के और आप इसमें टॉगल कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। ये हमें यूट्यूब का ऐप मिल गया है, तो यूट्यूब का ऐप जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा उसे, तो आइए उसे कर लेते हैं डाउनलोड। अब आप देखेंगे तो ये जो एक एरर आ रहा है, काफ़ी बार मैंने सुना है कि कई लोगों को इस टाइप का एरर भी मिलता है, आइए देखते हैं कि अगर आपके पास ये एरर आता है तो उसे आप किस तरीके से दूर करेंगे। तो अब जो एरर हमें मिल रहा था उसे दूर करने के लिए हमें करना ये है कि हमें जाना है इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर, और उसमें हमें टाइप करना है amazon.in/country settings, और वो जाके हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ये, अगर आपके उस अकाउंट में लॉग्ड इन नहीं होंगे तो ये लॉग इन के ऑप्शन हमें पूछेगा, तो एक बार आपको पहले लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आप यहाँ सेटिंग्स आप देख रहे हैं, योर कंटेंट, योर डिवाइसेस, और लास्ट में है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आपको जाके कंट्री सेटिंग्स आपको दिख रही है, तो कंट्री सेटिंग को सिलेक्ट करना है और उसको जो है आपको चेंज कर देना है, और आपको आपका कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, और आपका कंप्लीट एड्रेस आपको वहाँ पर डाल देना है, और ये सक्सेसफुली हो गया है। तो अब एक बार हमने हमारी सेटिंग्स को, कंट्री सेटिंग्स को चेंज कर दिया है, तो आइए अब दोबारा ट्राई करते हैं YouTube ऐप को डाउनलोड करने की। तो अब आप देख सकते हैं वो प्रोसेस हो गया और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है।